सो हेलो स्टूडेंट्स, तो अपन ने अभी तक काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाने का। हाँ, याद रखिएगा, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास 10, 20, 50, 100 तरह के मटेरियल हैं तो हर मटेरियल का स्टोर्स लेजर अकाउंट अलग अलग बनेगा। इट्स नॉट दैट सारे मटेरियल का एक ही स्टोर्स लेजर है, फिर तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कौन सा मटेरियल किधर गया किधर नहीं गया। सो कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव यही है, मटेरियल पे कंट्रोल रखना है। इट मींस ईच एंड एवरी अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली। अलग अलग मेथड्स अपन ने समझ लिए। मोस्ट वाइडली यूज मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज, लिफो का भी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, और एक मेथड अपन ने और समझा था कौन सा, सिंपल एवरेज, जिसका प्रैक्टिकली कोई यूज़ नहीं है। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी मेथड्स हैं, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट, बेस स्टॉक मेथड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जो भी हैं। हाँ, वो थ्योरी के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज और रेयर चांस सिंपल एवरेज। अब एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, अर्नव इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ, क्लास असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 32 है। अर्नव इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस। इट फॉलोज अ वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। फॉलोइंग आर द डेटा फॉर कंपोनेंट एक्स। तो ये पर्टिकुलर रॉ मटेरियल एक्स की सारी डिटेल दी है। तो क्या है, देखिए, डेट पर्टिकुलर्स यूनिट्स एंड रेट पर यूनिट 15th दिसंबर को परचेज ऑर्डर नंबर 008 10,000 यूनिट्स का दिया एंड द रेट वॉज 9,930 ओहो। एक यूनिट की रेट 9,930 है। तो अगर इसका स्टोर्स लेजर बनाना पड़ा तो अमाउंट तो 10,000 × 9,930 लैक्स में पहुंच जाएगा, करोड़ में पहुंच जाएगा। बेटर यही है, आप जब सॉल्यूशन करें तो रुपीज़ इन थाउजेंड्स, रुपीज़ इन लैक्स, या मेरे ख्याल से थाउजेंड से काम चल जाएगा, लैक्स में तो डेसिमल आ जाएंगे। सो रुपीज़ इन थाउजेंड्स के हिसाब से इसको क्या करिए, बनाइए। मतलब पूरे के पूरे एब्सोल्यूट अमाउंट में रिसीट इश्यूज कॉलम में वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, विल कन्वर्टेड इनटू रुपीज़ इन थाउजेंड्स। तो 15 दिसंबर को एक परचेज ऑर्डर दिया गया नंबर 8। हाँ, याद होगा, परचेज ऑर्डर देने से स्टोर्स लेजर में एंट्री नहीं होगी। स्टोर्स लेजर में एंट्री तो कब होगी, जिस दिन एक्चुअल में इस ऑर्डर के अगेंस्ट में मटेरियल आएगा। देन 30th दिसंबर को एक और परचेज ऑर्डर नंबर 9 क्वेश्चन कह रहा है हमने दिया है, और ये भी 10,000 यूनिट्स का था, रेट वॉज 9,780। अगेन ऑर्डर दिया है, नथिंग डूइंग। 1st जनवरी, जैसे ओपनिंग स्टॉक वॉज 3,500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 9,810। देखिए, 15 और 30 दिसंबर को ऑर्डर दिए हैं पर उनका गुड्स अभी तक आया नहीं होगा, या जो भी है, 1 जनवरी का ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन ने दे दिया। इसका मतलब अपने को अकाउंट जनरली ऑब्वियसली 1 जनवरी से ही बनाना होगा। 5th जनवरी, GRN नंबर 8, दैट इज गुड्स रिसीव नोट, मतलब वो लॉरी आती है उसके साथ में GRN आता है, अगेंस्ट परचेज ऑर्डर नंबर 8। यानी ये जो परचेज ऑर्डर नंबर 8 हमारा था उसके अगेंस्ट में क्वेश्चन कह रहा है गुड्स कब आए हैं, 5 जनवरी को। ऑब्वियसली एंट्री कब होगी, 5 जनवरी। कितने आ गए, पूरे 10,000 यूनिट्स आ गए। यहाँ इसकी रेट वही आएगी 9,930। देन 5 जनवरी को MRN मटेरियल, हाँ देखिए नीचे एस्ट्रिक करके दिया है, रिटर्न नोट, यानी कि अगेंस्ट परचेज ऑर्डर 8, मतलब जिस दिन गुड्स आया उसी दिन चेक किया होगा, समझ में नहीं आया, रिटर्न कर दिया, कितना, 500। अपन ने डिस्कस कर लिया था, सप्लायर को जब भी रिटर्न किया जाएगा उसी रेट पर रिटर्न होगा जिस रेट पर आया था, और उसी स्टॉक में से क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। 6 जनवरी, मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 11, 3,000 यूनिट्स इश्यू किए। 7 जनवरी, परचेज ऑर्डर नंबर 10, हाँ अगेन ऑर्डर देने से कोई यूज़ नहीं, ये भी 10,000 यूनिट्स का है। 10th जनवरी, मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 12। 12th जनवरी, GRN वापस आए, परचेज ऑर्डर नंबर 9। हाँ जी, ये जो हमारा परचेज ऑर्डर नंबर 9 था जो 30 दिसंबर को दिया था, वो गुड्स अब हमारे पास कब आए हैं, 12th जनवरी को, और वो 10,000 यूनिट्स आ गए। 12th को वापस रिटर्न कर दिए, उसमें से 400 यूनिट्स, हाँ ठीक है, रिपीटेशन ही है। 15 जनवरी, मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 13, 2200 यूनिट्स। 24th को रिक्विजिशन नंबर 14, 1500 यूनिट्स। 15 जनवरी, GRN नंबर 10 अगेंस्ट परचेज ऑर्डर नंबर 10, हाँ वो परचेज ऑर्डर नंबर 10 देखिए किस दिन अपन ने प्लेस किया था, दे हैव गिवन, वी हैड प्लेस्ड अ परचेज ऑर्डर नंबर 10 ऑन 7 जनवरी। ये 7 जनवरी वाला गुड्स हमारे पास में कब आया है, 25 जनवरी को। तो देखिए, 3 ऑर्डर्स अलग अलग दिए हैं, 15 दिसंबर, 30 दिसंबर, 7 जनवरी। रिसीट कब हुई है, 5 जनवरी,
12 जनवरी और 25 जनवरी, 28 जनवरी रिक्विजिशन, अगेन रिक्विजिशन। तो अब पूछा क्या है, बेस्ड ऑन द अबव डाटा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है, रीऑर्डर लेवल निकालिए, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, हाँ ये अपने स्टार्टिंग में पढ़े थे। आप कहेंगे ये सब कहाँ से आ गए इसमें, ये तो स्टोर्स लेजर की फील्डिंग वाला क्वेश्चन है। ऑफकोर्स दे हैव आस्क्ड यू, इनी डेटा से आपको रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम मिनिमम, देन प्रिपेयर अ स्टोर्स लेजर फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी, हाँ सिर्फ जनवरी का ही बनाना है, इसीलिए क्वेश्चन है ओपनिंग स्टॉक कौन सा दिया था, फर्स्ट जनवरी वाला। तो ये फर्स्ट जनवरी का स्टॉक देने का रीज़न ही यही है कि आपको 1 जनवरी से और 31 दिसंबर लास्ट, 31 दिसंबर जनवरी लास्ट दिया है, इस मतलब जनवरी जनवरी एक महीने का आपको अकाउंट बनाना है, एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st जनवरी, ओके। देन वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड, यूज मतलब कंज्यूम्ड, हाँ इस बार कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ, तो बेसिकली अपना जो इश्यू वाला कॉलम है वो कंज्यूम्ड ही तो है, बट सुनो ध्यान से, इश्यू वाले कॉलम में जो मटेरियल वापस सप्लायर को रिटर्न किया वो भी आएगा, एंड दैट इज़ नॉट कंज्यूम्ड। तो अपन क्या कर सकते हैं, स्टोर्स लेजर जब बनाएंगे, इश्यू वाले कॉलम की टोटल लेस मटेरियल रिटर्न्ड, दैट विल बिकम आर मटेरियल कंज्यूम्ड, एंड देन लास्ट में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, हाँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अपन ने कर लिया था, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक, हाँ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ये पॉइंट नंबर 5 में अपन निकालेंगे, और एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक मीन्स ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग तो क्वेश्चन ने दिया भाई, स्टोर्स लेजर बनाएंगे क्लोजिंग आएगा ही, अच्छा मेथड कौन सा लगाना है भाई, ये तो दिया नहीं है कि दिया हुआ था स्टार्टिंग में, येस येस दिया हुआ था, देखिए व्हाट दे हैव गिवन द स्टार्टिंग क्वेश्चन 32 की फर्स्ट लाइन, अर्नव इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज, इट फॉलोज वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, तो वेटेड एवरेज मेथड अपने को क्या करना है, अप्लाई करना है फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फाइन। तो स्टोर्स लेजर तो आप कहेंगे ठीक है हम बना लेंगे, नथिंग वेरी ग्रेट, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्टिंग की तीन चीज़ें जो पूछी, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ये कैसे निकालें इस क्वेश्चन में से, हाँ स्टार्टिंग चैप्टर में अपन ने जब शुरुआत करी अपन ने यही सब चीज़ें समझी, सबसे पहले EOQ समझा, देन स्टॉक लेवल्स, हाँ और स्टॉक लेवल्स के लिए क्वेश्चन में आपको हमेशा जितने भी पहले क्वेश्चंस किए हैं व्हाट दे हैव गिवन यू ऑलवेज इज मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, मिनिमम पीरियड, पर यहाँ तो न तो कंजम्पशन के बारे में बात हुई है न डिलीवरी पीरियड के बारे में बात हुई है, तो अब इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, दैट इज़ अ इश्यू विच अराइजेस। चलो फिर भी थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, फॉर्मूलेज तो आपको याद हैं भाई रीऑर्डर लेवल के, बोलो बोलो फटाफट, रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला है, हाँ रीऑर्डर लेवल व्हाट इज़ द फॉर्मूला वी हैड, इट इज़ वर्स्ट केस सिनेरियो, याद रखते हैं बुरे से बुरा, सप्लायर बहुत ज़्यादा टाइम लगा दे ये सब हो जाए, हाँ फॉर्मूला क्या था भाई, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, सो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, यही फॉर्मूला था जी रीऑर्डर लेवल का, हाँ और मैक्सिमम लेवल का क्या फार्मूला था, मैक्सिमम लेवल का फार्मूला था रीऑर्डर लेवल पे आपने ऑर्डर दिया, उसके बाद मटेरियल रोज़ कंज्यूम होना शुरू हुआ, हाँ रोज़ कितना कितना मटेरियल कम होता जाएगा उसमें भी अपन मिनिमम मान लेते हैं, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, हाँ और क्वेश्चन ने क्या पूछा है जी अपने से, मिनिमम लेवल भी निकालिए, मिनिमम लेवल का कैलकुलेशन, हाँ इट इज़ रीऑर्डर लेवल, ये वो था रिमाइंडर कहाँ पे याद करना है, सप्लायर को याद दिलाना है, हाँ एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड या लीड टाइम जो भी अपन कहते हैं। तो ये तीन चीज़ें, तीन फॉर्मूले अपने हैं, आप कहेंगे अब इसको यहाँ पर अप्लाई कैसे करना रहा, यहाँ तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी है। चलिए अब इस स्टोर्स लेजर की जो इन्फॉर्मेशन दी इसको थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करें, एक चीज़ आप देखेंगे परचेज ऑर्डर कितने हैं इस क्वेश्चन में, एक तो परचेज ऑर्डर नंबर 8 है, परचेज ऑर्डर नंबर 9 है, परचेज ऑर्डर नंबर 10 है, बस तीन ही है, तीनों में देखिए कितनी क्वांटिटी ऑर्डर की गई है, 10,000 10,000 10,000,
तो इससे अपने पास में एक चीज़ पता चल गई कि अपनी रीऑर्डर क्वांटिटी जो है आर ओ क्यू वो कितनी है, 10,000 यूनिट्स। चलिए अब कंजम्पशन कहाँ से लाना रहा, तो कंजम्पशन का मतलब मटेरियल कंज्यूम, कंज्यूम का मतलब इश्यू। तो इशू वाले कॉलम में ढूंढते हैं साहब मिनिमम मैक्सिमम कंजम्पशन, इशू क्या क्या हुए। देखिए इशू ढूंढिए कब कब कितना कितना हुआ है क्वेश्चन के अंदर, रिटर्न नहीं है इशू। तो मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 11 3,000 यूनिट्स इशू किए गए, मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 12 4,500 यूनिट्स इशू किए गए, मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 13 2,200 यूनिट्स है, 14 में 1,500 यूनिट्स है, 15 में 4,000 यूनिट्स है, 16 में 3,200 यूनिट्स हैं। तो ये आपको 6 इश्यूज दिए हैं, हर एक के क्वांटिटीज 3,000, 4,500, 2,200, 1,500, 4,000 एंड 3,200, इतने इतने यूनिट्स इशू किए गए हैं। तो अब आप लोग पता लगा सकते हो साहब मिनिमम कंजम्पशन मैक्सिमम कंजम्पशन। हाँ बोलो भाई, मिनिमम कौन सा वाला दिख रहा है इसमें, हाँ जी मिनिमम इज 1,500, लॉक कर दूँ। हाँ मैक्सिमम इनमें से कौन सा है, 4,500। चलिए एवरेज मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन टू, उसमें क्या करने का है, सो इट इज मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन टू। तो 1,500 4,500 डिवाइड बाई टू, ये 3,000। चलिए कंजम्पशन वाला मामला ख़त्म। अब आप कहेंगे लीड टाइम डिलीवरी टाइम वो कहाँ से लाएं, तो इस क्वेश्चन में उसको भी दिया है। हमने पहला ऑर्डर 15 दिसंबर को दिया, उसका डिलीवरी कब आया, 5 जनवरी को, डेज निकालो। सो फर्स्ट ऑर्डर वी प्लेस्ड ऑन 15 दिसंबर, और उसका डिलीवरी जो है वो किस दिन आया, 5 जनवरी को, डेज निकाल लीजिए। एक और ऑर्डर हमने 30 दिसंबर को दिया, उसका डिलीवरी कब आया, 12 जनवरी, ये डेज निकाल लीजिए। और फिर एक और ऑर्डर अपन ने जो दिया वो 7 जनवरी को दिया, उसकी डिलीवरी कब आई, 25 जनवरी। तो परचेज ऑर्डर नंबर 8, हाँ यू जस्ट कैलकुलेट हाउ मच वॉज द डिलीवरी पीरियड। ओके, जो परचेज ऑर्डर नंबर 8 था 15 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी, हाँ जी कितने दिन होते हैं साहब, निकालो निकालो। 15 दिसंबर से 5 जनवरी निकालना आता है, बताया था एक बार, फिर लो कैलकुलेटर हाथ में। दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31, उसमें से 15 माइनस करो कितने बचे, 16। अब जनवरी में कहाँ तक जाना है, 5 तारीख तक, तो 16 + 5 इट बिकम्स 21 डेज, यानी कि इस ऑर्डर को आने में 21 डेज लगे। हाँ 30 दिसंबर वाले ऑर्डर की भी कैलकुलेशन करिए भाई, 30 दिसंबर वाला ऑर्डर 12 जनवरी को आया, दिसंबर के 31 डेज, उसमें से 30 कम किया 1, और 12 जनवरी तक आने का मतलब कितना हो गया साहब, 30 दिसंबर से 12 जनवरी, सो 12 and 1 13 डेज, बराबर है। सो 30 दिसंबर वी रिसीव्ड ऑन 12 जनवरी, सो इट कम्स टू 13 डेज। ओके, सो 15 दिसंबर वाले में 21 डेज, 30 दिसंबर वाले में 13 डेज। और एक और कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 जनवरी वाला 25 जनवरी को आया, तो बड़ा आसान है, 25 में से 7 कम कर दीजिए। हाँ 25 - 7, यू गेट द कैलकुलेशन डन, करो भाई करो, 25 में से 7 दिन गए कितने बचे, 18 डेज। सो ये वाला ऑर्डर जो है आपके 18 डेज में आया, फाइन। तो इसका मतलब मैक्सिमम टाइम कितना लगा, 21, मिनिमम कितना था, 13। तो दिस वे वी गेट द एवरेज, सॉरी मिनिमम एंड मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। हमको जो जो चीज़ें चाहिए थी इस क्वेश्चन में से छुपी हुई थी निकालनी पड़ी। तो दिस इज़ अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के अंदर इस चैप्टर के काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर हो गए, रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम मिनिमम लेवल, स्टोर्स लेजर भी पूछ लिया, इन्वेंट्री टर्नओवर भी पूछ लिया, सो मैनी थिंग्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। रिवीजन ये क्वेश्चन का करते ही आधी चीज़ें तो अपने आप ही रिवाइज हो जाएगी। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हाँ ये तो मैंने आपके सिर्फ रिमेम्बरेंस के लिए लिखा, हाँ शुरुआत अपने को सीधी जो करनी पड़ेगी। पहले वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशन ऑफ
मटेरियल कंजम्पशन. सो कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंजम्पशन. फर्स्ट मैक्सिमम कंजम्पशन. सो मैक्सिमम कंजम्पशन, हाँ ये मैक्सिमम कंजम्पशन हम किस पे बेस कर रहे थे. हाँ जी वापस ढूंढ लेते हैं. मैक्सिमम कंजम्पशन कहाँ पे आया था अपना, पर डे हाईएस्ट वाज 4500 और 21 दिन का था, 10 जनवरी का इशू. तो मैक्सिमम कंजम्पशन लिखिए बेस्ड ऑन मैक्सिमम, सॉरी बेस्ड ऑन मैक्सिमम यूनिट्स इशूड ऑन 10th जनवरी, इट कम्स टू 4500 यूनिट्स. देन मिनिमम कंजम्पशन, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन मिनिमम यूनिट्स इश्यूड ऑन, हाँ ये मिनिमम यूनिट्स 24 जनवरी वाला था ना, हाँ मिनिमम यूनिट्स इश्यूड ऑन 24th जनवरी 1500 यूनिट्स. थर्ड एवरेज कंजम्पशन, इट इज मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2. सो मिनिमम इज 1500, मैक्सिमम इज 4500 डिवाइड बाय 2 कम्स टू 3000 यूनिट्स. ठीक है भाई, या कॉपी कर लीजिए. तो ये अपन ने कंजम्पशन निकाल लिया. अब ये अपना एक मेन वर्किंग नोट हो गया. नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ डिलीवरी पीरियड. नाउ डिलीवरी पीरियड में फर्स्ट मैक्सिमम, हाँ सबसे ज़्यादा समय वो 15 दिसंबर वाले परचेज ऑर्डर नंबर 8 में लगा है. सो परचेज ऑर्डर नंबर 8 15th दिसंबर टू 5th जनवरी, सो इट कम्स टू 21 डेज. हाँ जी 21 याद है ना, कैलकुलेटर पे कर लिया. कैलकुलेटर पे फिर तरीका बता देता हूँ, याद रखिएगा. दिसंबर से शुरू करना है, दिसंबर में 31 डेज, उसमें से क्या से शुरू करना था 15 माइनस कर दो, प्लस जनवरी में कहाँ तक जाना है 5 तारीख तक, ये हो गए 21 दिन. देन मिनिमम, हाँ मिनिमम के लिए अपने को परचेज ऑर्डर नंबर, हाँ कौन से में मिनिमम आया था साहब, परचेज ऑर्डर नंबर 9, कहाँ से कहाँ तक 30th दिसंबर से 12th जनवरी. हाँ जी तो दिसंबर का 30th में इसका मतलब 31 माइनस 30 तो एक ही दिन हुआ, और 12 तारीख तक आना है कितना हुआ साहब 13 डेज, तो इट कम्स टू 13 डेज. यस अब एवरेज करना है. सो गेट द एवरेज कंजम्पशन कितना आ रहा है. सॉरी एवरेज डेज. सो एवरेज मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन टू, 21 प्लस 13 डिवाइड बाय 2, हाँ जी सो हाउ मच इट कम्स टू एवरेज डेज 21 डेज प्लस 13 डेज डिवाइड बाय 2 क्या कर रहे हो भाई, 21 प्लस 13 34 हुआ डिवाइड बाय 2 इट कम्स टू 17 डेज. चलिए जी तो ये सारा अपना काम हो गया वर्किंग नोट वाला. अब कैलकुलेशन, हाँ लिख लिया सब एवरीवन, ऑल पॉइंट्स समझ में आ गया है. तो एक ही टेबल से अपन ने ढूंढ ढूंढ के निकाला, ये ऑर्डर इस दिन दिया, इतना माल इसका कब आया, इसका कब आया, तो है एवरी कैलकुलेशन वी डिड मिनिमम मैक्सिमम निकाल लिया. कंजम्पशन में भी इशू वाले पॉइंट्स पे ध्यान दिया, कब कब कितना कितना मटेरियल इशू किया, मिनिमम मैक्सिमम निकाल लिया और मिनिमम मैक्सिमम की हेल्प से एवरेज कैलकुलेट कर लिया. पहले जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें यह सब डेटा दिया हुआ था, यहाँ अपने को ढूंढ के निकालना पड़ा. फाइन अब आगे की कैलकुलेशंस चलिए. सो सॉल्यूशन,
हाँ, सबसे पहला क्या कैलकुलेट करना है साहब? रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला लिखिए भाई। मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, या मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। हाँ, मैक्सिमम कंजम्पशन हमारा कितना आया था? 4,500 यूनिट्स, एंड मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड वॉज 21 डेज। सो यू गेट द अमाउंट हाउ मच? 94,500 यूनिट्स। तो ये पहला आंसर अपना आ गया, 94,500 यूनिट्स। सेकेंड सेकेंड कैलकुलेशन क्वेश्चन आस्क इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल। सो मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड प्लस आर ओ क्यू। हाँ, आर ओ क्यू तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ही नहीं है, हर बार एक ही क्वांटिटी का दी। आप कहेंगे इसमें भी अलग अलग होती तो क्या करते? सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा, एवरेज कर देते। समथिंग हैज़ टू बी डन, वी कैन नॉट लीव द क्वेश्चन। फाइन, सो आर ओ एल रीऑर्डर लेवल इज हाउ मच? 94,500 माइनस मिनिमम कंजम्पशन अपन ने कैलकुलेट कर लिया था 1,500 यूनिट्स, मिनिमम डिलीवरी पीरियड वी हैव कैलकुलेटेड 13 डेज, प्लस आर ओ क्यू इज 10,000। हाँ जी, सो डू द कैलकुलेशंस फास्ट। हाँ, मिनिमम आपका 1,500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 13 डेज, 19,500 यूनिट माइनस 94,500 और 10,000, ये सब एडजस्ट करिए, कितना आया? 85,000 यूनिट्स। सो ये सेकेंड आंसर हमारे पास आ गया, 85,000 यूनिट्स। फाइन, नेक्स्ट थर्ड थर्ड कैलकुलेशन वी नीड इज मिनिमम स्टॉक लेवल। हाँ, मिनिमम का फॉर्मूला क्या था? आर ओ एल में से एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। सो एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड, आर ओ एल अपना 94,500 माइनस एवरेज के वर्किंग नोट अपन ने बना लिया था 3,000 यूनिट्स, एवरेज डिलीवरी पीरियड अपना कितना था? 17 डेज। हाँ जी, कैलकुलेशन करिए। एवरेज 3,000 यूनिट्स रोज के कंज्यूम हो रहे हैं, तो 17 दिन में कितना हो जाएगा? 51,000। तो 94,500 पे हमने ऑर्डर दिया, जब तक नया गुड्स आएगा तब तक 51,000 यूनिट्स कंज्यूम हो जाएंगे, सो इट विल बी लेफ्ट विथ 43,500 यूनिट्स। तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का हुआ। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन ने पूछा है, प्रिपेयर स्टोर्स लेजर फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी, हाँ, एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 जनवरी। स्टोर्स लेजर बनाना है, वही रिसीट इश्यूज बैलेंसेज। अच्छा, इसमें परचेज ऑर्डर एम आर एन जी आर एन वगैरह सब दिया हुआ है, तो रिसीट और इशू में वो सारे कॉलम भी बन जाएंगे अपने। हाँ, ये आप लोग कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं, बस याद क्या रखना है, मटेरियल स्टोर्स लेजर में रिसीट में किस दिन आएगा? जिस दिन ऑर्डर, हाँ ऑर्डर नहीं, जिस दिन रिसीव हुआ, और इश्यू में प्रॉब्लम नहीं है, जिस दिन इश्यू हुआ रिटर्न हुआ है। अच्छा, इस क्वेश्चन में सेम डे कोई रिटर्न हुआ तो आप उल्टा दो कॉलम भी मत बनाना, उसी कॉलम में रिसीव्ड, उसी कॉलम में इश्यू, सीधा नेट ही अपने स्टॉक में जाएगा, और वीटेड एवरेज है, बड़ा आराम है, झगड़ा ही नहीं, टाइम भी कम लगता है, याद ही नहीं रखना होता किस में से रिसीव किया किस में से इश्यू किया, एक साथ में क्वांटिटी बन जाएगी। हाँ, अमाउंट रेट बहुत ज़्यादा है, 9,000 रुपये है, इसलिए मैंने आपको कह दिया था रुपीज़ इन थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर लेना, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। और फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट उसी पे डिपेंडेंट है, जैसे ही आपका इश्यू वाला कॉलम बनेगा, ध्यान दीजिए आप जब रिसीट रिसीट इश्यू और बैलेंस वाला कॉलम बनाएंगे, इश्यू वाले में यू हैव रिक्विजिशन नंबर, ठीक है, क्वांटिटी प्राइस एंड टोटल, तो ये जो टोटल आएगा, हाँ, इस टोटल में से हमको जो भी रिटर्न वाले अमाउंट इसके अंदर कहीं कहीं आए हैं, दो रिटर्न हैं, वो माइनस करना है, तो आपका मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, और जैसे ही मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, पॉइंट नंबर 5 हो गया, और पॉइंट नंबर 6 मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक तो आपको बैलेंस जो ओपनिंग वाला दिया है, और लास्ट में जो क्लोजिंग वाला बैलेंस आएगा, डिवाइड बाई 2 करके एवरेज निकालना है, तो ये आप आराम से कर सकते हो।
ओके सो अ वेरी गुड क्वेश्चन. होमवर्क में रिमेनिंग पार्ट के साथ साथ मैं एक बार कहूँगा इसको वापस से करिएगा सो दैट द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर इन योर माइंड. एक तरह से काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर की अपने इस क्वेश्चन में रिवाइज हो गई है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले लेते हैं. यस तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अपन थोड़ी सी थ्योरी पर आ जाते हैं क्योंकि उसको पढ़ने के बाद ही वो क्वेश्चन होएगा. क्वेश्चन नंबर सॉरी पेज नंबर 10 थ्योरी के पेज नंबर 10 पे आइए. यस सो अदर टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल. आप कहीं अदर पे आ गए, पहले कौन सी टेक्निक्स पढ़ ली? EOQB मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने की टेक्निक है. स्टॉक लेवल्स भी कॉस्ट को कंट्रोल करने की ही टेक्निक्स है. तो ये सारी कंट्रोल करने की ही टेक्निक्स थी. अपन ने स्टोर्स लेजर में ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्टेज नॉर्मल एबनॉर्मल पढ़ा, ये भी कंट्रोल करने की ही टेक्निक है. अब इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स जो हैं जो अपने को समझनी है वो समझ लेते हैं. तो अदर टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग मटेरियल कॉस्ट, उसमें सबसे पहला एक सिस्टम है और उसका नाम है टू बिन सिस्टम. बिन मतलब डिब्बा, टू बिन. वैसे अपन ने जब सेफ्टी स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था, सेफ्टी स्टॉक मेथड, बेस स्टॉक मेथड, तो इसमें भी ये टू बिन का सिस्टम यूज़ होता है. बहुत सिंपल सा तरीका है, दो डिब्बे रखिए, एक जिसमें से रेगुलर यूज़ के लिए मटेरियल रखा हुआ है, दूसरा सेफ्टी VIP एमरजेंसी के लिए, करे ये तो कभी कभार, और रेगुलर यूज़ में से मटेरियल आप जब इशू करते जाओगे सेफ्टी वाले का यूज़ रेयरली होगा. और अगर रेगुलर यूज़ वाले मटेरियल का स्टॉक लेवल रीऑर्डर पहुँच रहा तो आप ऑर्डर दे देंगे. आप फिर सेफ्टी वाले का काम क्या है? इमरजेंसी के लिए, कभी कभार सप्लायर भूल गया, ये हो गया, तो अपने स्टॉक ख़त्म नहीं हो किसी भी केस में. आप कहेंगे हमारे पास वो छुपा के कुछ और स्टॉक रखा हुआ था, उसमें से दे देंगे. सो दैट इज़ टू बिन सिस्टम. ओके सो देखिए क्या लिखा है. टू बिन्स और रैक्स आर अलॉटेड फॉर ईच टाइप ऑफ मटेरियल. हर तरह के मटेरियल के लिए दो डिब्बे दो रैक्स अलॉट कर दी जाती है. इन वन बिन द सेफ्टी स्टॉक और मिनिमम स्टॉक इज केप्ट. एक में हम सेफ्टी स्टॉक रख देते हैं विच इज़ यूज ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसीज. इन द अदर बिन रेगुलर स्टॉक इज केप्ट फ्रॉम विच इश्यूज आर मेड. वंस द स्टॉक गोज बिलो सर्टेन लेवल इन रेगुलर बिन न्यू ऑर्डर्स आर प्लेस्ड. नॉर्मल, ओके, नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अब सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आता है, दैट इज परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम. अब ये सिस्टम क्या बात करता है इसको अच्छे से समझना है. इट इज़ अ मेथड ऑफ मेंटेनिंग स्टॉक रिकॉर्ड्स. तो हमारा इन्वेंट्री का जो अकाउंटिंग का सिस्टम है, रिकॉर्ड मेंटेन करने का सिस्टम है, यू सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम. अब इसकी खास बात क्या है? इन विच फॉर ईच स्टॉक आइटम्स वी हैव, हम तीन तीन तरह के अलग अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं. एक बिन कार्ड, स्टॉक कार्ड, एंड देन स्टोर्स लेजर या स्टॉक लेजर. स्टोर्स लेजर, स्टॉक लेजर तो अपन ने खूब सारे क्वेश्चंस कर लिए, रिसीट इश्यूज बैलेंसेस. अब ये पहले वाले दो क्या हैं? सबसे पहला समझिए बिन कार्ड. जनरली जब अपन किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, उसके स्टोर्स डिपार्टमेंट की बात करें, ये समझ लीजिए एक बड़ा सा कमरा है, उसमें खूब सारी रैक्स ही रैक्स लगी हुई है, अलग अलग तरह के मटेरियल अलग अलग जगह पर स्टोर कर रखे हैं. अब जहाँ जहाँ पे मटेरियल की रैक्स है, बिन हैं, डिब्बे हैं, उन डिब्बों के बाहर एक फिजिकल कार्ड लगा दिया जाता है. ओके और उस कार्ड में जब भी वो वर्कर, स्टोर्स का एम्प्लॉय आप कह सकते हो, उस बिन में कोई मटेरियल रखेगा, नया मटेरियल आया रख रहा है या मटेरियल निकालेगा, उस कार्ड में वो वहाँ पे क्या कर देगा? अपनी एंट्री कर देगा, तारीख डाल देगा, कितनी क्वांटिटी अंदर ऐड करी या कितनी निकाली, बस इतना ही. कोई रेट वेट से उसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वर्कर के लेवल की अपन वो उस सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं जिसका काम क्या है. बार स्टोर्स मैनेजर ने कहा, हाँ साहब मटेरियल एक्स के 500 यूनिट लेके आ, अंदर गया एक्स में से निकाल के लाया, उसको रेट क्वांटिटी, उसको रेट वेट से कोई मतलब नहीं, उसको तो बस क्वांटिटी का ध्यान रखना है. तो ये बिन कार्ड का सिस्टम है. जहाँ बिन है, जहाँ रैक है, वहीं पर कार्ड हैंग कर दिए जाते हैं, लटका दिए जाते हैं, और वो वर्कर जो है, जो स्टोर्स का एम्प्लॉय है, वो बैठ के उसके अंदर रिसीट और इश्यू की क्वांटिटी की एंट्री करता जाएगा. दैट इज बिन कार्ड. देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा है. इट इज़ कैप्ट आउटसाइड द बिन वेयर द मटेरियल इज स्टोर्ड.
जहाँ मेटल स्टोर कर रखा है उसके जस्ट बाहर ही होता है. द एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट. याद रखिएगा, फिजिकल मूवमेंट के बेसिस पे ही इसमें एंट्री होगी. उस एम्प्लॉय को जिसको आपने गोडाउन के अंदर भेजा जहाँ माल ले गया, उसको मटेरियल रिक्विजिशन से उससे कोई लेना देना नहीं है. किसने मंगाया, क्या हुआ, नथिंग डूइंग. वो तो बस माल निकालेगा, उसमें लिख देगा. इट विल डिस्प्ले द रिसीट इश्यूज एंड बैलेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टॉक. और खास बात याद रखने के लिए, क्वांटिटी ओनली, इसमें रेट वेट कुछ नहीं होगी. फ़ायदा क्या है, देर आर फ्यू चांस ऑफ मिस्टेक्स बींग मेड एज एंट्रीज आर मेड एट द सेम टाइम एज गुड्स आर रिसीव्ड और इशूड बाई द पर्सन एक्चुअली हैंडलिंग द मटेरियल. जो मटेरियल को हैंडल कर रहा है वही आदमी हाथों हाथ उसी में एंट्री कर रहा है, तो जितने निकाल रहा है उतने ही लिख रहा है, तो उसमें गलती होने का चांस नहीं रहेगा. कंट्रोल ओवर स्टॉक कैन बी मेड मोर इफेक्टिव एज इन एज मच एज कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल क्वान्टिटी इन हैंड एट एनी टाइम विद अ बुक बैलेंस इज पॉसिबल. क्यों, हाथों हाथ एंट्री हुई, हाथों हाथ बैलेंस आया, हाथों हाथ वेरीफिकेशन हो सकता है इतना माल है कि नहीं है. मीन्स आप गए गोडाउन में चेक करने के लिए, आपने आई डिब्बा खाली कर, कितने निकले, 500, कार्ड वहीं पर पड़ा है, चेक किया 500, ओके. हाथों हाथ कहीं रिकॉर्ड साथ में लाने की कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके. वहीं पर तुरंत दान माँ कल्याण वाली बात है. Then identification of different items of material is facilitated by reference to bin card, the bin on stores receivable. Okay, तो अब आप कहेंगे कि identification of different items of material भी हो जाता है. क्यों, कि जिस डिब्बे के बाहर कार्ड लगा उस पर उसका नाम भी तो लिखा होगा, तो आराम से नया आदमी भी आ गया तो नाम पढ़ के निकाल लेगा, हाँ साहब मटेरियल इधर पड़ा है. सो दैट इज़ वॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिन कार्ड. नुकसान, रिकॉर्ड्स आर डिस्पर्स्ड ओवर वाइड एरिया. हर जगह, मान लीजिए आपका लंबा चौड़ा गोडाउन है, जगह जगह काफ़ी कार्ड लगे हुए हैं, तो रिकॉर्ड्स एक जगह नहीं है, सारा स्कैटर्ड हो गया. कार्ड्स आर लाइबल टू बी स्मेल्ड विद डर्ट एंड ग्रीस. अब डिपेंड किस तरह का आपका फैक्ट्री है, पता चला वर्कर के हाथ ख़राब थे, उसने कार्ड पे हाथ लगाया, ये लो साहब सब काला हो गया, नीचे लिखा हुआ क्या था वो भी नहीं दिख रहा है, तो ये दूसरी प्रॉब्लम है. एक तो डिस्बर्स ओवर वाइड एरिया, और वो गंदे हो सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू मटेरियल एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ हैंडलिंग ऑफ मटेरियल. देन तीसरा, ये जो काम करेगा, जिसका काम ये है कि मटेरियल निकाल के लाना है देना है, वो पढ़ा लिखा भी तो होना चाहिए, उसको पता भी तो होना चाहिए रिसीट वाला कॉलम कौन सा, इशू वाला कौन सा, बैलेंस कौन सा, उसको गणित भी तो आनी चाहिए. ठीक है, पता चला निकालता कुछ है लिखता कुछ है, तो पीपल हैंडलिंग देम आर ऑर्डिनरी नॉट सूटेबल फॉर द क्लेरिकल वर्क. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पढ़े लिखे आदमी या तो रखो, पॉसिबल है नहीं. तो फ़ायदे हैं तो साथ में नुकसान भी है. समझ में आ गया सब बिन कार्ड. नेक्स्ट, स्टॉक कंट्रोल कार्ड. अब ये भी कार्ड है, ठीक है, स्टॉक कंट्रोल कार्ड. अब कहेंगे फिर कार्ड है, देखिए बिन कार्ड तो डिब्बे के बाहर, अब स्टॉक कंट्रोल कार्ड का सिस्टम समझिए. वो जो स्टोर्स मैनेजर है टेबल कुर्सी लगा बैठा है, पीछे एक रैक बना रखी है और उसमें खूब सारे कार्ड बने हैं, ओके. और अब जब भी मटेरियल निकलता है आता है, वो उस रैक में से कार्ड निकालता है, उसमें एंट्री करता है. ये भी बिन कार्ड की तरह ही है, बस फर्क यह है बिन कार्ड उस डिब्बे के बाहर लगा हुआ था, ये स्टॉक कार्ड सारे एक जगह पे स्टोर्स मैनेजर के पास पड़े हैं. एंट्री वो वर्कर नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, स्टोर्स मैनेजर. तो देखिए, इट इज़ ऑल्सो अ क्वांटिटेटिव कार्ड. ये भी क्वांटिटी वाला ही कार्ड है, इसमें भी कोई रेट वगैरह कुछ नहीं. मेंटेन्ड बाय स्टोर्स डिपार्टमेंट फॉर एवरी आइटम ऑफ मटेरियल. इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ रिकॉर्ड विच शोज द ओवरऑल इन्वेंट्री पोजिशन इन स्टोर. रिकॉर्डिंग इंक्लूड्स रिसीट इश्यूज, रिटर्न्स इन हैंड एंड ऑर्डर्स गिवन. ये सब कुछ वापस इसमें भी होगा. अब एडवांटेजेस, रिकॉर्ड्स आर कैप्ट इन अ कॉम्पैक्ट मैनर. वो उसके जो डिसएडवांटेज है, उसके एडवांटेज ये कॉम्पैक्ट मैनर में होगा, नीट एंड क्लीन होगा, और आदमी भी पढ़ा लिखा होगा, ठीक है. क्योंकि एज द रिकॉर्ड्स आर एट वन प्लेस, तो इट इज़ पॉसिबल टू गेट एन ओवरऑल आइडिया ऑफ स्टॉक पोजिशन एक ही जगह पर, और आदमी पढ़ा लिखा होगा, ये भी आप ऐड कर देना. डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज उसके एडवांटेज का डिसएडवांटेज, वहाँ ऑन स्पॉट वेरिफिकेशन हो सकता था, यहाँ पे नहीं हो सकता था, ठीक है. तो स्पॉट कंपैरिजन नहीं हो सकता. फिजिकल आइडेंटिफिकेशन, अगर आपने कहा है बिन कार्ड वाला सिस्टम छोड़ो अपने, तो स्टॉक कार्ड वाला ठीक है, तो फिजिकल आइडेंटिफिकेशन, नया आदमी पहुँच गया ढूंढता ही रहेगा कौन सा मटेरियल लेके आना है, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी. तो आप कहेंगे फिर दोनों में से एक होता है, एक दोनों होते हैं, दोनों रखिए, मना कौन करता है. पर समझिए, बिन कार्ड में एंट्री कौन करेगा, वर्कर. स्टॉक कार्ड में एंट्री कौन करेगा, स्टोर्स मैनेजर. दोनों रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. आप कहेंगे डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन क्या है, वो आदमी अलग काम कर रहा है, ये आदमी अलग काम कर रहा है. ऑडिट में आप लोग पढ़ेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये कंट्रोल सिस्टम ही तो है. एक आदमी ने एक काम किया, दूसरे आदमी ने भी वही काम किया, दोनों ने सेम काम किया कि नहीं किया, दोनों ने क्वांटिटी रिसीट इश्यूज बैलेंस सेम है कि नहीं, दोनों के आपस में क्या गड़बड़ है, वो भी तो हमको आराम से पता चलेगी, मालूम चल जाएगा गड़बड़ कौन करता है. तीसरा,
स्टोर्स लेजर आपका, फिर ये कौन बनाएगा? इसमें भी रिसीट इश्यूज बैलेंसेज होंगे, पर इसका इंपॉर्टेंस क्वांटिटी के बजाय वैल्यू पे ज़्यादा हो जाता है। फीफो लिफो सब का पिक्चर आ जाता है, जबकि उन दोनों में इसका कोई लेना देना नहीं है। स्टोर्स लेजर इज मेंटेन टू रिकॉर्ड बोथ क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिसीव्ड। तो इसमें क्वांटिटी और कॉस्ट दोनों चीज़ें आएंगी। एंड of material received issued those in stock it is being a subsidiary ledger to the main cost ledger it is maintained by cost accounts department to cost department accounts department alag se costing department hai to wo nahi to apna accounts department hai ye ab isme posting jo ki jati hai wo goods received note material requisition note pe hoti hai samjhiye bin card aur stock card ke andar posting jo hai wo physical movement se ho rahi hai material aaya gaya entry kar di और स्टोर्स लेजर में एंट्री डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हो रही है, पेपर के बेसिस पे। अगर कोई मटेरियल इश्यू हुआ और उसका पेपर नहीं बना तो आपको बिन कार्ड स्टॉक कार्ड में तो दिखेगा, स्टोर्स लेजर में नहीं दिखेगा। और पेपर बन गया और मटेरियल इशू ही नहीं हुआ, स्टोर्स लेजर में दिखेगा, बिन कार्ड में नहीं दिखेगा। सो ये फ़र्क है और इसी से पता चल सकता है हमारा कंपनी का काम करने का तरीका कितना एफिशिएंट है, कहाँ पे हमारे क्या क्या गड़बड़ चल रही है, ये सब इसी से पता चलने वाला है। अब देखिए क्या लिखा है, द फर्स्ट टू फॉर्म्स आर रिकॉर्ड्स ऑफ क्वांटिटीज इश्यूड रिसीव्ड इश्यूड एंड दोज इन बैलेंस बट इट इज़ द थर्ड रिकॉर्ड स्टोर्स लेजर वैल्यू ऑफ रिसीव्ड इश्यूज एंड बैलेंस इज ऑल्सो मेंटेन यूजुअली रिकॉर्ड ऑफ क्वांटिटीज बिन कार्ड स्टोर्स कार्ड आर केप्ट बाई स्टोर्स कीपर इन स्टोर्स वाइल रिकॉर्ड ऑफ क्वांटिटी एंड वैल्यू इज मेंटेन बाई कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। अब ये सब तो मेंटेन कर लिया, अब करना क्या है? तो देखिए, द बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर आर कंपेयर्ड पीरियोडिकली, बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर को कंपेयर करते रहते हैं, बिन कार्ड स्टॉक कार्ड स्टोर्स लेजर सब समझ लो, टू लोकेट द डिफरेंसेस विच माइट बी बिकॉज ऑफ सम अनरिकॉर्डेड एंट्रीज इन स्टोर्स लेजर और सम रॉन्ग एंट्रीज इन द बुक्स। तो इनको कंपेयर करने से पता चल जाएगा। और जैसे ही कंपेरिजन शुरू करते हैं, देखिए अगर कोई चोरी करके लेके गया, उसकी एंट्री ना तो बिन कार्ड में होगी, ना स्टोर्स कार्ड में होगी, ना स्टोर्स लेजर में होगी। पर अगर ऑथराइज मूवमेंट था, डॉक्यूमेंट चूक गए, तो बिन कार्ड में तो स्टोर्स कार्ड में तो एंट्री मिलेगी, लेजर में नहीं मिलेगी। ढूंढ लेंगे कौन सा डॉक्यूमेंट इशू नहीं हुआ, उस डिपार्टमेंट को पकड़ेंगे, बिना डॉक्यूमेंट के मटेरियल इशू हो रहा है, मतलब उस डिपार्टमेंट को, स्टोर्स मैनेजर को, सबको पकड़ो, ऐसा क्यों हो जाता है? डॉक्यूमेंट था और उधर एंट्री नहीं है, इसका मतलब आलसी लोग हैं, ध्यान ही नहीं रखते। अच्छा डॉक्यूमेंट आया, इसका मतलब मटेरियल इशू हुआ होगा, और इशू ही नहीं हुआ तो डॉक्यूमेंट क्यों बना, वो भी पता लगाया जा सकता है। पर अब इन तीनों से एक चीज़ तो पता नहीं चल रही है। आपने कहा हाँ साहब, हमने मिलाया बिन कार्ड और हमारा स्टोर्स लेजर बराबर बैलेंस मिल रहा है, खुश मत हो जाइएगा कि आपके गोडाउन में उस बिन के अंदर एक्चुअल मटेरियल भी इतना ही होगा। कारण, अगर कुछ मटेरियल गायब हुआ, अनऑथराइज मूवमेंट हुआ, उसकी एंट्री तीनों ही अकाउंट में मिलने वाली नहीं है। तो आप कहेंगे उसका कैसे पता लगाएं? उसका पता लगाने का एक ही इलाज है पूरी दुनिया में, बैठ के डिब्बा खाली करो, काउंटिंग करो और मिलाओ कि ये है कि नहीं है। यानी कि आपकी ये सब मेहनत पे पानी फिर जाएगा अगर आप इसको फिजिकली वेरीफाई नहीं करते। तो लास्ट लाइन यही कह रही है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज जनरली अकंपनीड बाई कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग। जब तक स्टॉक टेकिंग नहीं करेंगे तब तक फिजिकली वो मटेरियल उतना है कि नहीं है वो पता ही नहीं चलने वाला है। तो अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग। सिंपल, नाम से ही पता चल रहा है, स्टॉक लेना है कंटिन्यूसली। अकाउंट्स में तो अपन कहते हैं कि स्टॉक कब पता चलता है, ईयर एंड में गोडाउन में जाते हैं, इसलिए तो ईयर एंड में हर एक को करना है। कॉस्टिंग में तो अपना रोज का काम है, एवरी डे एवरी मंथ सम और अदर स्टॉक शुड बी कंटिन्यूसली चेक्ड। कारण, अगर आप साल के एंड में ही चेकिंग करते हैं तो वर्कर को, डिपार्टमेंट वालों को, जो भी बदमाश लोग हैं उनको साल भर का मौका दे रहे हो, आराम से चोरी करो, साल के एंड तक नौकरी छोड़ देना, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर कंटिन्यूसली आपके, मान लीजिए गोडाउन में 100 स्टॉक हैं, अब आप इस तरह से प्लानिंग करो कि हमारे हर आइटम को साल में 3 से 4 बार चेक कर लेना है। ये समझ लीजिए साल में 4 बार चेक करना है, ओके। अब साल में 12 महीने हैं, ओके, 100 आइटम है, एक एक बार ही चेक करना हो, जब तो आप कहेंगे एक महीने में क्या करें, ठीक है 8-9 आइटम चेक कर लें, 8 आइटम चेक करते हैं तो हो जाएगा। पर अगर एक आइटम को 4 बार चेक करना है तो आप हर महीने 24 आइटम चेक करो, 25 आइटम चेक करो, तो 4 महीने में क्या हो जाएगा, 100 आइटम चेक हो गए, फिर वापस आ जाएगा। आप कहेंगे ठीक है, उसमें भी तो वर्कर प्लान कर लेगा, ओके आइटम नंबर 1 जनवरी में चेक हुआ, उसका नंबर जून में आएगा। नो, कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग में रेंडम रहता है,
कोई आइटम पिछले महीने चेक हुआ जरूरी नहीं 4 महीने बाद ही नंबर आएगा, अगले महीने भी आ जाएगा। कोई आइटम आज चेक हुआ 6 महीने तक नंबर नहीं आया, वो कंपनी रैंडम रखेगी, बोलेगी भी नहीं, तभी तो इंप्लॉयज़ के मन में डर रहेगा हमारी चोरी कभी भी पकड़ी जा सकती है। एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर कंट्रोलिंग मटेरियल कॉस्ट। बाकी सब आप कंट्रोल कर सकते हो, सस्ता खरीद के ले आओगे, बढ़िया पैकिंग करवा के ले आओगे, सब ध्यान रख लोगे, पर चोरी को, अनऑथराइज मूवमेंट को रोकना है, वेस्टेज डिटोरिएशन का जल्दी पता लगाना है, वो कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग से ही होगा। सिर्फ चोरी ही नहीं, वेस्टेज डिटोरिएशन वर्ड भी मैंने बोला, मटेरियल पड़ा है जब आप फिजिकली चेक करते हो उसकी स्थिति भी दिखती है, अरे ये तो पैक करके रखना चाहिए था, खुला पड़ा, ये पड़ा, इसकी हालत ख़राब हो रही है, एक्सपायरी डेट आ रही है, ये सब चीज़ें कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग ही हेल्प करके देगा। तो देखिए, द स्टॉक इज़ वेरीफाइड एज एन ऑनगोइंग प्रोसेस थ्रू आउट द ईयर एज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट। तो क्या लिखा है, इट इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस थ्रू आउट द ईयर, साल भर चलता ही रहता है। द वेरीफिकेशन शेड्यूल इज शो डिजाइन दैट एवरी स्टॉक इज सब्जेक्ट टू वेरीफिकेशन 3 or 4 times एन ईयर, 3 से 4 बार। दिस मेथड हेल्प्स इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ पिल्फरेज, चोरी, डिटोरिएशन एक्सेट्रा, सो दैट लॉसेज ऑन सच अकाउंट्स आर लिमिटेड। सो दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग। तो दो चीज़ें अपन ने समझी, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज मेथड ऑफ मेंटेनिंग स्टॉक रिकॉर्ड्स, तीन तरह से, बिन कार्ड, डिब्बे के बाहर, स्टॉक कार्ड, एक ही वो सारे कार्ड ये समझ लो एक जगह पे स्टोर करके रखे हुए हैं, और तीसरा आपका स्टोर्स लेजर जो अपन ने क्वेश्चंस में बनाए पुराने ज़माने में। अब तो खैर नेट बैंकिंग ये वो सब कंप्यूटराइज हो गया है, पुराने ज़माने में बैंकिंग का सिस्टम सारा मैनुअल था। उस वक्त ये नहीं था कि आपका एटीएम तो कुछ होता ही नहीं था, उस वक्त ये भी नहीं था कि आपका जालोरी गेट एसबीआई में अकाउंट है और आप पहुंच गए सदापुरा, पैसे दे दो, नहीं मिलता था, आपको जालोरी गेट ही जाना पड़ता था। अब जालोरी गेट में भी आप पहुंच गए, पता कैसे लगाएं, तो चेक आप लेके गए, साइन मिलाने का सिस्टम आज तो कंप्यूटर में देख लेता है साइन सही है कि नहीं। उस वक्त क्या होता था, सिग्नेचर के कार्ड बनवाए जाते थे और वो एक डिब्बे में सारे अकाउंट वाइज जमा करके कार्ड रख दिए जाते थे। अब जैसे ही कस्टमर आया, उसका अकाउंट का कार्ड ढूंढ के निकाला, सिग्नेचर वेरीफाई किया, दिस इज़ वॉट वॉज डन, तो वो कार्ड्स मेंटेन होते थे। सेम वैसे ये स्टोर कार्ड है, बिन कार्ड, वही कार्ड डिब्बे के बाहर लगा दिया, बिन कार्ड, वो कार्ड उठा करके आपने एक अलमारी में सब व्यवस्थित जमा दिए हैं, दैट बिकम्स योर स्टॉक कार्ड, और स्टोर्स लेजर, रिसीट, इश्यूज, बैलेंसेस, क्वांटिटी प्लस वैल्यू। तो ये तीन तरह के रिकॉर्ड मेंटेन करना, तीन हो चाहे दो हो, दैट इज़ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। लेकिन इसका पर्पस फुलफिल तभी होगा जब साथ में क्या हो, कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग। एग्जाम में थ्योरेटिकली कई बार क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज़ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, व्हाट इज़ कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग और नॉट डिफरेंस। वैसे बता दो, डिफरेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, पर दोनों एक दूसरे की सप्लीमेंट है। कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग कर तभी पाओगे बार बार जब आपके पास रोज स्टॉक की पोजीशन अवेलेबल हो, और उसके लिए परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हेल्प करेगा, और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होगा सक्सेसफुल तभी जब कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग हो। तो ये कॉन्सेप्ट अपन ने समझा, ठीक है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम वर्सेस कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग, इसी से रिलेटेड अपना क्वेश्चन है जो अपने को करना है। देखिए, यस, सो अब अपन क्वेश्चन ले लेते हैं, जो भी क्वेश्चन अपना पेंडिंग है। यस, क्वेश्चन 33 अलग ही क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम में अभी तक तो कई सालों से आया नहीं है। एक्स लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विद सेवरल स्टोर्स हैव मटेरियल कंट्रोल सिस्टम विच इंक्लूड्स, अब उनके कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या है, परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड, रीऑर्डर लेवल, कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग, परपेचुअल इन्वेंट्री एंड कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग और रीऑर्डर लेवल तो हर कोई रखता ही है। ड्राफ्ट अ फॉर्म, क्वेश्चन कह रहा है एक फॉर्म का ड्राफ्ट बनाइए, एक फॉर्म बनाइए, कौन सा फॉर्म, फॉर यूज बाई स्टॉक चेकर्स। तो स्टोर्स चेकर, स्टॉक चेकर मतलब वही जो स्टॉक में चेकिंग करने के लिए आता है, वही कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग वाला ऑडिटर कह दो, ये कह दो, डिपार्टमेंट कह दो, एम्प्लॉय कह दो, जिसका काम क्या है, गोडाउन में जाओ, फिजिकली चेक करो स्टॉक बराबर है कि नहीं है। तो वो स्टॉक चेकर अगर गोडाउन में जाएगा तो ऑब्वियसली पेन पेपर लेके जाएगा, उसमें फॉर्म बनाएगा, उसमें क्या क्या कॉलम होने चाहिए, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके वैसा एक फॉर्म डिज़ाइन करना है, और उसमें इंक्लूड ऑन इट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टॉक चेक्स मेड इन
स्टोर जेड ऑन 15th मई, तो 15 मई को उसने ये सब तीन स्टॉक आइटम चेक किए। क्वेश्चन कह रहा है ये तीनों आइटम का उस फॉर्म में आप क्या डिटेल भरेंगे, वो सब भी थोड़ा सा करिए। अब तीनों आइटम के बारे में डिटेल क्या दिया, बैलेंस इन यूनिट, स्टॉक कार्ड, हाँ वही स्टॉक कार्ड कह दो, बिन कार्ड कह दो, उसमें इतना था, लेजर में बैलेंस इतना था, लेकिन मटेरियल ए में स्टॉक कार्ड में भी 200, लेजर में भी 200, और फिजिकली कितने यूनिट्स थे, 180 यूनिट्स। ओके, इसका मतलब बुक्स में तो बैलेंस बराबर बोल रहा, पर रैक के अंदर, बिन के अंदर एक्चुअल में 180 यूनिट ही निकले, मतलब 20 यूनिट गायब हो गए। इधर बी में 170 बराबर, एक्चुअल में 172, मतलब 2 यूनिट एक्स्ट्रा मिल गए। अब एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए, और यहाँ पे देख इधर मामला ही गड़बड़ है। स्टॉक कार्ड में तो 740 यूनिट्स का स्टॉक है, लेजर में 760 है, मतलब 20 का तो फर्क यहीं पर है। उसके बाद में एक्चुअल में 700 ही मिले, मतलब 40 और गायब है। 760 से 700 टोटल 60 का डिफरेंस, उसमें से 20 तो दोनों के अकाउंट में फ़र्क है और 40 का तो कोई पता ही नहीं है, और ये उनकी रेट दे दी है। तो क्वेश्चन कह रहा है एक फॉर्म ड्राफ्ट करिए, उसमें सब क्या क्या कॉलम्स में क्या क्या लिखना चाहिए, उस फॉर्म में क्या क्या कॉलम होने चाहिए सोचिए, और इसके बारे में डिटेल भरिए। देन स्टेट एक्शन टू बी टेकन, डॉक्यूमेंट टू बी रेज टू एडजस्ट द डिस्क्रिपेंसीज रिकॉर्डेड इन वन अबव, हाँ ये जो डिस्क्रिपेंसी है इसको सही करने के लिए क्या एक्शन लेने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या रेज होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स तो सिंपल, अपन स्टोर्स लेजर बनाया हुआ है, लास्ट में जिस क्वेश्चन में भी फिजिकल बैलेंस दिया था अपन ने इशू वाले कॉलम में, वो क्वांटिटी लिख के एबनॉर्मल लॉस मान करके, तो वही डॉक्यूमेंट्स वाली बात हो गई एक्शन। देन पॉसिबल रीजन फॉर शॉर्टेज, अब क्वेश्चन कह रहा है शॉर्टेज का कारण क्या हो सकता है, ये भी अपन थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि शॉर्टेज का कारण या तो नॉर्मल या एबनॉर्मल, एंड रिकमेंड अ कोर्स ऑफ एक्शन बाय मैनेजमेंट टू प्रिवेंट फ्यूचर लॉस, फ्यूचर में ऐसी गड़बड़ नहीं हो उसका कुछ तरीका इलाज बताइए। तो तीन चीज़ें क्वेश्चन ने पूछी है, सबसे पहले एक फॉर्म डिज़ाइन करो, उसके बाद एक्शन क्या लेने हैं, और तीसरा डॉक्यूमेंट्स क्या रेज करने हैं। चलिए फॉर्म, ये समझ लीजिए आप ऑडिटर हैं, आपको गोडाउन में भेजा गया है कि फिजिकल वेरिफिकेशन करिए, और रिकॉर्ड में क्या बोल रहा है, फिजिकली क्या बोल रहा है, उसका डिस्क्रिपेंसी भी अपने को आइडेंटिफाई करके देना है। तो उस फॉर्म में क्या क्या कॉलम होने चाहिए, दैट वी हैव टू थिंक अबाउट एंड ड्राफ्ट अ फॉर्म, और उसमें ये मटेरियल ए बी सी के क्वान्टिटीज़ की इंफॉर्मेशन भरनी है। तो देखिए ऑब्वियसली ये तीन कॉलम तो चाहिएंगे, बैलेंस स्टॉक कार्ड में कितना है, लेजर में कितना है, फिजिकल कितना है, फिर अपन लिख देंगे डिफरेंस कितना है, रेट दी हुई उससे अमाउंट आ जाएगा, फिर लास्ट कॉलम हो जाएगा रिमार्क्स के फ़र्क का कारण क्या है। जैसे मटेरियल ए की बात करें, बुक्स में तो रिकॉर्ड 200 बोल रहा है, एक्चुअल में 180, मतलब 20 यूनिट्स, या तो चोरी हो गए एबनॉर्मल लॉस, या मटेरियल का नेचर ही ऐसा होगा कम हो जाता है तो, पर अगर नेचर ही ऐसा होता तब तो अपन पहले से ही रिसीव करते वक्त ही क्वांटिटी कम कर करके लिखते हैं, यही अपन ने पढ़ा है, तो मिलना तो चाहिए, तो अपन तो बाय डिफ़ॉल्ट ही मानेंगे अब नॉर्मल कुछ ना कुछ गायब हो गया है। 170 दो ज़्यादा हो गए, अब ये तो रेयर पॉसिबिलिटी है। हाँ इसमें कारण क्या हो सकता है, एबनॉर्मल गेन तो होता नहीं है, तो है नहीं 100 यूनिट खरीद के डाले थे गोडाउन में, पड़े पड़े 102 हो गए, कोई लाइव स्टॉक हो तो अलग बात है। अब इसका रीज़न, सपोज स्टोर्स लेजर, स्टोर्स डिपार्टमेंट को परचेज प्रोडक्शन मैनेजर का रिक्विजिशन आया कि भाई 100 यूनिट इशू करो, 100 यूनिट का रिक्विजिशन आया, स्टोर्स लेजर में एंट्री हो गई, अब स्टाफ गया 100 यूनिट निकालने के लिए, गलती हो गई क्योंकि मैक्स में उसका पीएचडी किया हुआ था, ठीक है माशाल्लाह उसने निकाले तो 98 और काउंटिंग में उसके क्या आ गए 100, तो स्टॉक कार्ड में भी बिन कार्ड में भी क्या लिख दिया गया 100, लेजर में भी क्या हो गया 100, जबकि एक्चुअल में मटेरियल निकले कितने थे 98, और सबसे खास बात वो प्रोडक्शन मैनेजर को भी पता नहीं चला। इट इज़ पॉसिबल, या ऐसा भी हो सकता है मटेरियल जब रिसीव हुआ वो सप्लायर ने 100 के बजाय 102 यूनिट बेच दिए, और काउंटिंग वाले ने कहा कौन काउंट करे, रोज आता ही है, मतलब कहीं ना कहीं तो लूप होल है ही। तो अब वो तो एक्चुअल रीज़न तो देखिए अपने को नहीं पता, अपन तो क्या करेंगे फॉर्म में रिमार्क्स वाला कॉलम बना करके छोड़ देंगे, वो रिमार्क्स तो पूछ करके ही भरा जाएगा, वी डोंट नो क्या पॉसिबल कारण है। हम
थर्ड पॉइंट में जरूर लिख सकते हैं पॉसिबल रीज़न, पर वो शॉर्टेज का पूछा है, और लास्ट सी में तो आप कहेंगे बहुत गड़बड़ है, ठीक है। स्टॉक कार्ड 740 ही बोल रहा है, लेजर में 760 है, इसका मतलब 20 यूनिट को इश्यू हुए, जिसकी एंट्री स्टॉक कार्ड में हो गई फिजिकल मूवमेंट पे, पर उसका रिक्विजिशन रेज नहीं हुआ होगा इसीलिए स्टोर्स लेजर में नहीं हुई। वो तो आप कहेंगे मिला लेंगे डेट वाइज, कौन सी एंट्री ऐसी है जो कार्ड में है लेजर में नहीं है, पता चल जाएगा उसकी एंट्री लेजर में कर दी जाएगी। पर फिजिकली तो 700 ही मिले, 40 यूनिट, वही मटेरियल ए वाली हालत, कहीं ना कहीं अनऑथराइज मूवमेंट हुआ है। चलिए तो फर्स्ट पार्ट, ड्राफ्ट फॉर्म बाय द स्टोर्स चेकर, शुरू करिए। ड्राफ्ट फॉर्म ऑफ स्टॉक चेकर, तो कंपनी का नाम वाम दिया हुआ है क्या? एक्स लिमिटेड स्टॉक चेकिंग रिपोर्ट। अब इसमें कॉलम्स हो सकते हैं डिपार्टमेंट, मटेरियल, कौन सा चेक किया, ठीक है, उसके बाद में डेट, हाँ कौन सी तारीख है भाई, 15 मई। अब कॉलम्स बना लें, हाँ डिपार्टमेंट इसलिए कॉलम बनाया, कारण कई बार क्या होता है कि बड़ी कंपनियों में स्टोर्स डिपार्टमेंट भी 3-4 होते हैं, डिपार्टमेंट ए बी सी के, एक यहाँ पर एक उधर है, तो कहाँ पे जाकर के चेकिंग हुई। देन एक कॉलम और हो सकता है चेक्ड बाई, मतलब किस आदमी ने किया पता चला, 3-4 आदमी अपन ने लगा रखे हैं, फाइन। अब सीरियल नंबर, आइटम, बैलेंस, स्टॉक कार्ड का कितना है, स्टोर्स लेजर का कितना है, फिजिकल यूनिट्स, डिफरेंस, रेट, अमाउंट, और लास्ट कॉलम हो जाएगा रिमार्क्स। रिमार्क्स अपन नहीं पढ़ सकते, सील नंबर 1, 2, 3, आइटम ए बी सी, स्टॉक कार्ड इज 200, लेजर इज ऑल्सो 200, फिजिकली 180 यूनिट, डिफरेंस 20 यूनिट का है, रेट 20 रुपए के हिसाब से, अमाउंट कितना हो गया 4000, 170, 170, 172, डिफरेंस माइनस 2, रेट इज 5 रुपीज, इट कम्स टू 10 रुपीज, 740, 760, 700, हाँ डिफरेंस में 60 लिखेंगे, 60 के दो कारण हैं, 20 यूनिट ऑथराइज मूवमेंट पर उसका रिक्विजिशन रेज नहीं हुआ होगा, और 40 अनऑथराइज, रेट क्या है भाई 60 पैसा, 36 रुपीस। हाँ रिमार्क्स कॉलम जो है वो खाली रहेगा, क्योंकि वो तो अपने को नहीं मालूम कि इसका रीज़न क्या था। हाँ बना लो भाई, फटाफट कॉपी करो। देखिए अपन स्टॉक चेक करने वाले हैं, अपन ने तो चेकिंग करके फॉर्मेट बना दिया, फॉर्मेट में लास्ट कॉलम सबसे इम्पॉर्टेंट है, पर वो कॉलम तो अब वो जो स्टॉक चेकर है वो स्टोर्स मैनेजर से पूछेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाले से पूछेगा, तब पता चलेगा भाई ये मामला क्या है, तब जाकर के इस कॉलम में एंट्री होगी। वी डोंट नो व्हाट आर द रीज़न फॉर इट, क्वेश्चन ने लास्ट में पूछा है कि क्या रीज़न हो सकते हैं वो बताइए, वो अपन ऐड कर देंगे लास्ट में। हो गया, नाउ नेक्स्ट पार्ट पूछा है एक्शन टू बी टेकन, डॉक्यूमेंट्स टू बी रेज टू एडजस्ट द डिस्क्रिपेंसीज, क्या एक्शन लें क्या डॉक्यूमेंट्स रेज करें, तो शुरू करिए। एक्शंस टू बी टेकन, ए पार्ट, एंड एक्शंस टू बी टेकन एंड डॉक्यूमेंट्स टू बी रेज्ड, उसमें डिफरेंस बिटवीन स्टॉक कार्ड एंड स्टोर्स लेजर,
क्या एक्शन लिया जाए और क्या डॉक्यूमेंट रेज किया जाए। स्टॉक कार्ड और स्टोर्स लेजर में फ़र्क का मतलब, कोई मटेरियल फिजिकली तो रिकॉर्ड हुआ पर उसका डॉक्यूमेंट नहीं आया, या डॉक्यूमेंट आया फिजिकली रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसका मतलब हमारे सिस्टम में, प्रोसेस में कहीं ना कहीं लेकुना है, उसको पता लगाया जाए, उसको सही किया जाए। जो आदमी आलसी है, ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसका रिमांड लो, पेनल्टी लगाओ, और डॉक्यूमेंट ऑफ कोर्स जो मिसिंग डॉक्यूमेंट है उसको रेस करें और उसके हिसाब से अकाउंटिंग करें। लिखिए, हाँ इसके लिए लिखो भाई, एनी डिफरेंस इन बैलेंस ऑफ स्टॉक कार्ड एंड स्टोर्स लेजर, एनी डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ स्टॉक कार्ड एंड स्टोर्स लेजर इज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स बीइंग मेड एट द टाइम ऑफ रिसीट और इश्यूज, एट द टाइम ऑफ रिसीट्स और इश्यूज, ब्रैकेट में लिखिए, एज सीन फॉर मटेरियल सी। मटेरियल सी में फ़र्क है ना, 740 और 760। आगे लिखिए, इट रिप्रेजेंट्स लेक्यूना, मतलब हमारे सिस्टम में गड़बड़ है, लेक्यूना इन आर मैनेजमेंट सिस्टम, इन आर मैनेजमेंट सिस्टम एंड देयर फोर ऑर्गेनाइजेशन शुड आइडेंटिफाई द लैप्सेस, कहाँ लैप्स हुई, एंड मेक द सिस्टम रोबोस्ट, मेक द सिस्टम रोबोस्ट, नेवर एनी इश्यू और रिसीट, नेवर एनी इश्यू और रिसीट शुड बी अलाउड विदाउट डॉक्यूमेंट्स। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट लिखिए, डिफरेंस बिटवीन स्टोर्स लेजर एंड फिजिकल स्टॉक, डिफरेंस बिटवीन स्टोर्स लेजर एंड फिजिकल स्टॉक। लिखे, इट रिप्रेजेंट्स शॉर्टेज विच मे बी नॉर्मल और एबनॉर्मल, विच मे बी नॉर्मल और एबनॉर्मल। नेक्स्ट, इफ इट इज एबनॉर्मल, इफ इट इज एबनॉर्मल देन मैनेजमेंट शुड, देन मैनेजमेंट शुड आइडेंटिफाई, मैनेजमेंट शुड आइडेंटिफाई द रीजन्स एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट द पर्सन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, take strict actions against the persons responsible for it. ठीक है, अब आगे लिखिए, such discrepancy has to be documented and entered
इन स्टॉक कार्ड सच डिस्क्रिपेंसी हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड एंड एंटर्ड इन स्टॉक कार्ड एंड स्टोर्स लेजर एज इशू, उसको इशू में बताना पड़ेगा, एंड द अमाउंट विल बी डेबिटेड टू कॉस्टिंग पी एंड एल, एंड द अमाउंट विल बी डेबिटेड टू कॉस्टिंग पी एंड एल. नोट, इन केस ऑफ मटेरियल बी, नोट, इन केस ऑफ मटेरियल बी फिजिकल स्टॉक is more than books stock. Physical stock is more than books stock. Physical stock जो है books के stock से भी ज़्यादा है. It means there has been carelessness in counting at the time of receipt or issue of material, at the time of receipt or issue of material. Last part पूछा है possible reason for shortage. हाँ जी, तो last part possible reason for shortage and management action. ये वैसे अपन ने ऊपर कवर कर ही लिया है. लिखिए shortage, लिख लीजिए पहले heading, possible reason for shortage and management action. Shortage generally arises for either normal or abnormal reasons, normal or abnormal reasons. आगे लिखिए, if shortage is normal, then only quantity is reduced, and the total cost remains the same. Next, in case of abnormal shortage, both quantity as well as total cost of material is reduced, both quantity as well as total cost of material is reduced. अब possible course of action by management में क्या लिखेंगे, लिखो next paragraph. The management must establish the percentage of normal loss for each inventory so that effective control can be done for any excess shortage. आगे लिखिए, such percentage should be based on industry average, ये नहीं हमारा परसेंटेज तो 20, इंडस्ट्री में 5 है तो उससे क्या करना, इंडस्ट्री के एवरेज के बेसिस पे हमारा भी वेस्टेज होना चाहिए, उससे ज़्यादा एबनॉर्मल है, इट नीड्स टू बी पेड अटेंशन टू. चलिए जी, अब लास्ट दो क्वेश्चंस बचे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे.